नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लुकेश, ऑल टेक फैक्ट के एक नए फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपके नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। फ्रेंड्स, एक सवाल जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है, एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में आता है कि क्या कोई व्यक्ति YouTube के सारे वीडियोस को अपने पूरे जीवन काल में देख सकता है, यानी एक व्यक्ति पूरे YouTube पर जो वीडियो है क्या उसको पूरा देख सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कोई भी एक आदमी जो कि जन्म लिया है, यानी तुरंत नवजात बच्चा है, और वो अपना मरते दम तक क्या YouTube का सारा वीडियो देख लेगा। तो उम्मीद है इस सवाल का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा और आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। यदि कोई बंदा ये वीडियो नहीं देख पाता है पूरा का पूरा, तो क्यों नहीं देख पाता है, क्या रहेगा इसका पीछे के कारण, क्यों नहीं देख पाएगा कोई, और यदि देख पाएगा तो कितना ज्यादा समय लगेगा, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अभी से दबा दे वीडियो में एक बढ़िया सा लाइक बटन। और फ्रेंड्स, कोई बंदा अपने जन्म से लेके मरते दम तक वीडियो सारे देख पाएगा कि नहीं यूट्यूब का, इससे पहले आपको एक चीज जान लेना होगा, वो ये जानना होगा यूट्यूब के बारे में कुछ जरूरी बातें। जरूरी बातें ये जानना होगा आपको कि यूट्यूब पर कितने सारे वीडियो अपलोडेड हैं और हर दिन कितने नए वीडियो डाले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube पर हर मिनट 300 घंटा का वीडियो अपलोड किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हर मिनट 300 घंटा का वीडियो अपलोड किया जाता है। और ऐसे में बार बार जब कोई बंदा देखेगा वीडियो, तो बार बार वीडियो का समय बढ़ता चला जाएगा। तो ये अभी से ही दिख गया कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू वॉच द एंटायर अपलोडेड वीडियो ऑन YouTube। ये इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है कि कोई भी बंदा पूरे YouTube के वीडियो को देख पाए। अब सवाल उठता है, यदि किसी कारणवश हम लोग पूरे YouTube वीडियो को देख ले तो कितना ज्यादा समय लगेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि हम लोग YouTube के सारे वीडियो को नहीं देख पाएंगे। यदि हम लोग को लगेगा एक वीडियो को, पूरे YouTube के वीडियो को देखने में एक साल, तो एक साल तक में और बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर 24 घंटा में से एक मिनट में 300 घंटा का वीडियो YouTube पर अपलोड होता है। तो ऐसे में कोई भी बंदा यदि देखने के लिए बैठता है शुरू से लेके अंत तक सारे वीडियोस को, तो लगातार वीडियो की संख्या बढ़ते चली जाएगी और उसको देखते देखते उसका पूरा समय पार हो जाएगा। अब सवाल उठता है, यदि कोई भी बंदा देखना चाहता है पूरे YouTube के वीडियो को, तो कितना ज़्यादा समय लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube एक ऐसा वेबसाइट है जो मात्र 14 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, यानी 14 साल के अंदर में YouTube पर 7 बिलियन YouTube वीडियो अपलोड किया गया है। 7 बिलियन, जो कि कम नहीं होता, ये हमारे जनसंख्या के 19-20 अंतर में है, यानी 7 बिलियन YouTube वीडियो YouTube पर अपलोडेड है। और एक एवरेज, ऑन एन एवरेज, हर एक वीडियो 4 मिनट 20 सेकंड का होता है, यानी हर एक वीडियो यदि YouTube पर अपलोड है तो उसका एवरेज समय, एवरेज लेंथ टाइम पीरियड का, वो है 4 मिनट 20 सेकंड। और यदि 7 बिलियन YouTube वीडियो को यदि 4 मिनट 20 सेकंड से यदि मल्टीप्लाई करें, तो हमें जो समय मिलेगा, हमें जो आंकड़ा मिलेगा, वो 30 ट्रिलियन मिनट का मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 ट्रिलियन मिनट का। और यदि इसको हम ईयर में कन्वर्ट करें तो ये 58,000 साल हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि 30 ट्रिलियन मिनट को यदि ईयर में कैलकुलेट करें तो 58,000 साल हो जाएगा। एक्सप्लेन हो गया कि कोई भी बंदा YouTube के सारे वीडियोस को नहीं देख सकता है, और लगातार YouTube पर नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं जो कि इसके समय सीमा को और बढ़ा रहे हैं। लगातार नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं, हर मिनट 300 घंटा का वीडियो अपलोड हो रहा है, जिससे कि इसका आंकड़ा समय और ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई भी बंदा यूट्यूब के सारे वीडियो को एक समय में देख ले, ऐसा नहीं हो सकता है। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि YouTube पर जितने भी वीडियो हैं, यदि उसको किसी कारणवश हम लोग देख लेते पूरा, तो उसको पूरा देखने में 58,000 साल लग जाएगा, यानी 30 ट्रिलियन मिनट, जो कि कम नहीं होता है। हाँ, यदि कोई बंदा यदि जिंदगी भर नहीं मरता है, अमर हो जाता है, तो भले ये सारे वीडियो को देख सकता है,
एंड ये तो अभी तक के जमाने में इम्पॉसिबल है। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और यूट्यूब के बारे में इतना रोचक फैक्ट आपको जानने में काफी ज्यादा मजा आया होगा और काफी ज्यादा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद है मैंने आपको पूरे यूट्यूब वीडियो पर कुछ अच्छी जानकारी दी है। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे सब जगह शेयर करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे सब जगह शेयर करते रहना काफी जरूरी है। तो इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ।